भाई अपना एक्सयूवी 300 का W6 मॉडल है, जैसा कि आप देख पाएंगे जो भी काम हो रहा है अपनी शॉप पे हो रहा है स्मार्ट कार पे। और आज इसके अंदर हम करने जा रहे हैं फॉग लाइट का सेटअप, जिसमें हमारा आफ्टर मार्केट वाला फॉग लाइट लगेगा एंड इसका जो OEM DRL होता है वो इसके अंदर इंस्टॉल करने जा रहे हैं। और जो भी काम होगा अपना कपलर टू कपलर होगा। और इसमें आपको अगर आपको टॉप मॉडल W8 वाली हेडलाइट चाहिए वो भी अपने पास अवेलेबल होती है, प्रोजेक्टर लेंस वाली ये भी आपको मिल जाएगी इसके अंदर। अरे ये हमारा ओरिजिनल रहने वाली है महिंद्रा जेन्युइन पार्ट्स। ये हमारा DRL का सेटअप है और ये DRL की आप जैसे कि MRP देख पाएंगे 2090 रुपये है। ये भी साथ में इंस्टॉल कर रहे हैं, एक पीस का रेट 2090 है। तो ये हमारा दो पेयर सेट इंस्टॉल होगा, तो आप इसकी ये क्वालिटी देख सकते हैं। ये हमारा ओरिजिनल होगा, ये हमारा ओरिजिनल महिंद्रा का होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं बार कोड वगैरह सब इसमें आप सर्च कर सकते हैं। ये ओरिजिनल महिंद्रा पार्ट्स में ही होगा। और ये हम DRL का सेटअप जर्मन करने जा रहे हैं और ये फॉग लाइट का सेटअप आफ्टर मार्केट वाला है। और ये सारा काम अपना एक्सयूवी W6 के अंदर आफ्टर मार्केट में आप देखेंगे इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी है। और ये वाला हम इंस्टॉल कर रहे हैं जो कि अपना XUV 300 W6 मॉडल है, उसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं। तो आज हम करने जा रहे हैं महिंद्रा की W6 XUV 300 जो कि सामने खड़ी है, जैसा कि आप देख पाएंगे। इसमें आज हम करने जा रहे हैं लाइटिंग का सेटअप और इसमें हम ये आफ्टर मार्केट वाली फॉग लाइट है ये इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे। अगर आपको इसमें ओरिजिनल आपको चाहिए तो ओरिजिनल भी अपने पास अवेलेबल होता है। ये हमारी आफ्टर मार्केट वाली फॉग लाइट है, ये हम इंस्टॉल करेंगे। और इसी के साथ हमें पूरी किट आती है, इसमें आपको वायरिंग स्विच देख सकते हैं, ये स्विच भी इसके साथ ही होता है और वायरिंग भी अलग से परचेज करनी नहीं पड़ती, सब इसके साथ होता है। एंड इसके साथ ही आपको आफ्टर मार्केट में ये सामने आपको फॉग लाइट का जो अलग से बेजल होता है कवर होता है ये भी आपको अलग से परचेज करना नहीं पड़ता, ये भी हमें इसके साथ दे रहे हैं आफ्टर मार्केट फॉग लाइट में। हमें ये दोनों एक साथ और ये रिले और दोनों फॉग लाइट ये साथ में मिलती है। और आफ्टर मार्केट में ही ये अच्छी फॉग लाइट है, जिसकी आपको क्वालिटी एक बार चेक कराता हूँ मैं। जैसा कि देख पाएंगे ये हमारी OEM वाली DRL है और इसके अंदर हमें ये प्लास्टर जो हीटसिंग होता है ये भी देखने को मिल जाएगा। और इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और ये भी हम कपलर टू कपलर करेंगे। और इसके लिए हमें अलग से रिले इंस्टॉल करना पड़ेगा, ना कि डायरेक्ट इसको कनेक्शन करेंगे। और ये हमारी फॉग लाइट की वायरिंग है और ये फॉग लाइट का ये स्विच होता है और ये रिले होती है, ये वाली रिले है इसके अंदर फॉग लाइट के लिए अलग से इंस्टॉल होगा। इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें इसे थोड़ी सी बम्पर को देखो ये कस्टमाइज़ करनी पड़ती है, इसे कटिंग करनी पड़ती है, यहाँ जगह नहीं दे रखी होती फॉग लाइट के लिए, सो हमें यहाँ कस्टमाइज़ करना पड़ता है इसे। और लगने के बाद कुछ आप देख पाएंगे, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लुकाने वाली है इसके अंदर। और इसमें देख लीजिए ये स्क्रू के लिए कोई इन्होंने जगह नहीं दे रखी है, तो इसे कस्टमाइज़ करके हमें यहाँ पे इसके लिए स्क्रू के लिए नक्के इसके सेट करने होंगे। बाद आप देख पाएंगे कुछ इस तरह से लुकाने वाली है इसमें। इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें आप देख पाएंगे जैसे कि ये प्रॉपर हमें नक्के बनाने होते हैं और प्रॉपर हमने इसके नक्के बनाए हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे हमें ये फिटिंग की जगह नहीं दे रखी होती है इन्होंने। भाई ये DRL लगाने के लिए हमें आप देख पाएंगे जैसे कि ये नक्के इसके हमें बनवाने पड़ते हैं क्योंकि इसमें फ़िटिंग के लिए जगह नहीं दे रखी होती W6 के अंदर, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बट फिटिंग आपको बिल्कुल एच टू एच फिटिंग आएगी, फिटिंग में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। भाई फॉग लाइट और हेडलाइट की आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से लुका रही है। ये हमारा कम्प्लीट नाइट व्यू है